आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अग्निवीर की भर्ती में फर्जीवाड़ा करते हुए एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल नकली फौजी बनकर लोगों से कर रहा था अवैध उगाही। नौकरी के नाम पर 50,000 रुपए की डिमांड रखी थी। पुलिस ने नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नकली फौजी मयंक से कई दस्तावेज और बैंक की पासबुकें बरामद की हैं। ये पूरा मामला थाना सदर क्षेत्र के एक क्लब स्टेडियम में अग्निवीर परीक्षा के दौरान नकली फौजी को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सिटी विकास कुमार ने इसकी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से मिल रही है, जहां अग्निवीर में भर्ती के नाम पर 50,000 रुपए की अवैध उगाही करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आज थाना सदर पुलिस ने चल रही अग्निवीर परीक्षा में एक व्यक्ति जो कि आर्मी के हवलदार का वर्दी पहनकर वहाँ जो कैंडिडेट थे उनको गुमराह कर रहा था और उनसे 50,000 रुपये में सौदा कर रहा था कि उसको एग्ज़ाम में पास करा देंगे। उसको सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। उसके पास से बहुत सारे सामान बरामद हुए हैं, जिनमें कि एक डिपेंडेंट आईडी कार्ड है, एक परिचय पत्र रखने का कवर है जो कि आर्मी वालों के पास होता है, एक आधार कार्ड है, 9 रंगीन आर्मी यूनिफॉर्म में फ़ोटो है, साथ में एटीएम कार्ड है, कैनरा बैंक का पासबुक है जिसमें कि वो पैसे ट्रांसफ़र कराने के लिए बता रहा था, एक मिलिट्री टेलर का वर्दी है, उसके साथ मोनोग्राम है राष्ट्रीय ध्वज का, आर्मी के कपड़े का मोनोग्राम है और प्रशस्ति मोनोग्राम है, रिबन प्लेट है, आर्मी वाले बूट हैं मोजे के साथ, आर्मी बेल्ट, आर्मी शर्ट, आर्मी की पैंट, मतलब वो पूरे सामान उसके पास बरामद हुए हैं, जिससे कोई व्यक्ति ये पूर्णतः विश्वास कर लेगा कि ये आर्मी का व्यक्ति है और ये फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया है। इसका नाम है मयंक विमल पुत्र सोभरन सिंह और ये बाहा का रहने वाला है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है। इसे गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। सर, ये आर्मी में है कि बस नहीं है? ये आर्मी में नहीं है। मतलब इतनी सारी चीज़ें इसके पास से मिली हैं, क्या पहले भी इसी प्रकार से कार्यक्रम में लिप्त है ये? उससे पूछताछ की जा रही है, जांच किया जा रहा है और जो कुछ भी उसके द्वारा बताया जाएगा।